शिव को समाओ। यादों में शिव को समाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। हंसना नहीं तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। यादों में शिव को समाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। डाली पर चित्त की चिंता से है दूर। पंछी झूम रहा डाली पर चित्त की चिंता से है दूर। मधुर सुरों में प्रभु गुण गाता, लुटा रहा खुशियां भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। कौन कहां से आए, क्या तुमको ले जाना। सोचो कौन कहां से आए, क्या तुमको ले जाना। किसने भेजा सृष्टि पर, क्यों हुआ तुम्हारा आना। ज्ञान का दीप जलाओ, तुम मन से अंधकार मिटाओ। यादों में शिव को समाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ।
शांति। आज मैं आत्मा बाप दादा के दिए स्वमानों अनुसार ज्वाला स्वरूप अवस्था का अनुभव करने के लिए एक ऊंचे शिखर पर विराजमान हूँ। ब्रह्मलोक से बाप दादा मुझे ज्वाला स्वरूप अवस्था में स्थित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परम धाम से उनकी पावरफुल किरणें सूक्ष्म लोक से होती हुई मुझ पर उतर रही है। मैं उन्हें स्वयं में आत्मसात कर रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलते हुए प्रकंपन समस्त शिखर को आलोकित कर रहे हैं। बाप दादा से निकलती तीव्र किरणें मेरी प्रकृति में आकर समा रही हैं। और मुझसे होती हुई दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं आत्मा बाप दादा के दिए हुए कार्य की पूर्ति के लिए ज्वाला स्वरूप अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा बाप दादा से प्राप्त किरणों को अपनी प्रकृति से ज्वालामुखी रूप में परिवर्तित कर रही हूँ। मेरी प्रकृति से निकलता हुआ अथाह प्रकाश पुंज समस्त भूमंडल में फैल रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश का स्रोत एक बड़े
दानावल में परिवर्तित हो रहा है। अब मैं आत्मा प्रस्फुटित ज्वालामुखी के समान बाप दादा से प्राप्त शक्तियों को अपनी भ्रकुटि के ऊपर अंतरिक्ष की ओर प्रवाहित कर रही हूँ। मुझसे निकलती शक्तियाँ बिखरते लावे के समान अग्नि रूप धारण कर समस्त अंतरिक्ष में फैल रही हैं। बाप दादा से प्राप्त शक्तियों के द्वारा मुझ आत्मा के तमोगुणी संस्कार जलकर भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा बोझ मुक्त हो रही हूँ। मैं आत्मा सच्चा सोना बनती जा रही हूँ। मुझे स्वयं में सतयुगी संस्कारों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा एकदम हल्की पूर्णतया पाप मुक्त संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति कर रही हूँ। Thank you.
मेरे सभी बंधन कटते जा रहे हैं। और मैं आत्मा बंधन मुक्त होती जा रही हूँ। मेरी सभी शक्तियों का विकास हो रहा है। मैं आत्मा सतयुग आदि स्वरूप के संस्कारों एवं शक्तियों से भरती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूँ। मुझसे निकलती अनंत शक्तियों की किरणें ज्वालामुखी के रूप में संपूर्ण अंतरिक्ष की ओर बह रही है। ज्वालामुखी से प्रवाहित लावे के समान मेरी शक्तियाँ मुझसे निकल निकल कर संपूर्ण अंतरिक्ष में छा रही हैं। संपूर्ण मानवता मुझसे निकलती इन शक्तियों की अनुभूति कर रही हैं। इससे लोगों के दुख दूर हो रहे हैं। भय तनाव अनिद्रा उदासी से पीड़ित लोग अब पुनः शांति और सुख की अनुभूति कर रहे हैं।
प्रकृति भी ज्वाला स्वरूप किरणों को प्राप्त कर शांत होती जा रही है। मानवता के प्रति उसका क्रोध कम होता जा रहा है। स्वर्णिम संसार की भांति मानवता के प्रति अब उसमें पुनः ममता के भाव जागृत हो रहे हैं। वह अपने कुपित संस्कारों से मुक्त हो रही है। उसमें पुनः मानवता के प्रति सेवा भाव जागृत हो रहा है। संपूर्ण मानवता इन ज्वाला स्वरूप किरणों को प्राप्त कर आनंदित हो रही है। बाप दादा इन अनंत शक्तियों को मुझ में से होते हुए संपूर्ण विश्व में बिखेर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आज स्वयं गंगा मेरे केशों से होती हुई धरती पर अवतरित हो रही हो। श्वेत प्रकाश का एक विशाल झरना सूक्ष्म लोक से होते हुए मेरे सिर पर उतर रहा है। मैं आत्मा उसे स्वयं में समाते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर प्रवाहित
कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं ईश्वरीय अथॉरिटी से संपन्न मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। बाबा बहुत ही पावरफुल दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में इतना तेज है जो मैं कुछ सेकंड के लिए भी बाबा की दृष्टि की तरफ देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि बाबा मेरे भीतर के कीचड़े को जलाकर खाक कर रहे हैं। मुझ आत्मा के विकारों रूपी कीचड़े को अपनी ज्वलंत किरणों भरी दृष्टि द्वारा भस्मीभूत कर रहे हैं। कैसा ज्वलंत स्वरूप है यह बाबा का। द
जन्म जन्मांतर की विकारों विकर्मों रूपी गंदगी को पल भर में भस्म कर देने वाला ज्वाला स्वरूप है यह। मेरा आंतरिक शुद्धिकरण होता जा रहा है। मुझ में परमात्म लाइट समाती जा रही है। मैं एक सेकंड के लिए भी निरंतर परमात्म दृष्टि की ओर नहीं देख पा रहा हूँ। अत्यंत अग्नि स्वरूप किरणें निरंतर परमात्मा पिता से मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। यह परमात्म शक्तियों की बौछार मुझ में भीतर तक समाती जा रही हैं। मुझे बेहद शक्तिशाली बना रही है। मैं स्वयं में परमात्म शक्तियों की गहन अनुभूति कर रहा हूँ। पावर हाउस के सामने मैं आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का शरीर जैसे कि एक दहकता ज्वालामुखी बनता जा रहा है। जिसमें असंख्य ज्वलंत किरणें दहक रही हैं। इन किरणों के स्पर्श मात्र से विकारों रूपी आसुरी संस्कारों की मैल पल भर में भस्म हो रही है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से बहता विनाशकारी किरणों का यह समूह मुझ आत्मा के अवगुणों दुर्व्यसनों और आसुरी संस्कारों पर कहर बनकर निरंतर पड़ रहा है। और मुझ में से आसुरी संस्कारों की प्रलय होती जा रही है।
अब यह ज्वलंत किरणें मुझमें से होकर बाहर की ओर बहनी शुरू हो गई हैं। मेरी देह प्रकाश में परिवर्तित हो गई है। और उसमें से बहता यह सुनहरी ज्वाला स्वरूप किरणों का समूह जहां जहां ये किरणें जा रही हैं वहां आसपास के वातावरण में आसुरी बातों की प्रलय आती जा रही है। सारा कीचड़ा जलकर भस्मीभूत होता जा रहा है और इन्हीं किरणों में विलीन होता जा रहा है। महसूस करें अब ये किरणें तेज लावे के रूप में परिवर्तित हो रही हैं और इनका प्रभाव प्रकृति के पांचों तत्वों पर दिखाई पड़ रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व स्वच्छ निर्मल होकर चमक रहे हैं। धरती की चमक भी बढ़ती जा रही है। आसुरी विकारों का दुष्प्रभाव नष्ट होता जा रहा है और प्रकृति एक बार पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप को पाकर खिल उठी है। महकने लगी है, चमक रही है। अब धीरे धीरे पिता परमात्मा से आती हुई किरणें शांत हो रही हैं। उनका तेज शांत होकर पुनः अपने शीतल स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा है।
मैं आत्मा भी अपने अनादि ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर रही हूँ। अब मैं लाइट के कार्ब में स्वयं को माइट स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। यह मेरी फरिश्ता सो निराकारी स्टेज है। ओ शांति।
शांति। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के समान विश्व सेवाधारी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। आज मनसा सेवा द्वारा ईश्वरीय संदेश सभी भक्त आत्माओं को देंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जिसे तुम मुझे भगवान कहकर मंदिरों में तीर्थों आदि पर ढूंढते फिर रहे हो, वो ही मैं सिर्फ भगवान ही नहीं, तुम्हारा अविनाशी पारलौकिक पिता भी हूँ। तुम देह के भान में आकर मुझ अपने अविनाशी पारलौकिक पिता को भूल गए हो। तुम जन जन्मांतर से मुझे तलाशते दर दर धक्के खाते फिर रहे थे, बच्चे अब तुम बच्चों की पुकार पर मैं इस धरा पर पुनः अवतरित हुआ हूँ। और फिर से तुम्हें मेरी व तुम्हारी यथार्थ पहचान देकर वो ही स्वर्ग के राज्य भाग्य का अविनाशी वर्षा देने आया हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, क्या तुम्हें याद नहीं पड़ता? तुम किस तरह रो रो कर धक्के और ठोकरें खाकर अपना तन मन और धन सब लुटाकर
मेरी खोज में भटक रहे थे। मुझसे क्षणिक सुख शांति की प्राप्ति की तलाश में तुमने 63 जन्म तक मेरी भक्ति की। तपस्या की, जप तप नियम व्रत आदि सब करते रहे। मेरी ईश्वरीय आराधना उपासना पूजा पाठ करते रहे। सो अब मैं तुमसे मिलने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। पहचानो मुझे, मेरे बन जाओ। परमात्म संतान कहलाने का अपना अविनाशी भाग्य प्राप्त करो। लाडले बच्चे, मुझे यथार्थ रीति पहचान। मुझसे योग लगाओ। और भविष्य 21 जन्मों का अविनाशी स्वर्गिक राज्य भाग्य का वर्षा प्राप्त करो। ओहो बाबा, आप ही तो मेरे अविनाशी पारलौकिक पिता हैं। आप ही तो जन्म जन्मांतर मुझे सच्चा प्यार करते रहे हैं। आपकी ही छत्र छाया में रहकर मैंने स्वयं का परिचय प्राप्त किया था। आपने ही मुझे सोमान में रहना सिखाया था बाबा। जब जब सारी दुनिया मुझे ठुकराती रही, बाबा आप ही तो मेरे सच्चे साथी, खुदा दोस्त, संबंधी बन मुझे अपनाते रहे हो बाबा। आप ही मुझे गले से लगाते रहे हो बाबा। मुझे उठाकर अपने कंधों पर बिठाते हो बाबा।
बाबा जब जब मेरे देहिक परिवार ने मुझे पराया बना दिया तब तब आपने मेरे लिए पूरा ही ईश्वरीय परिवार रच कर दे दिया बाबा। मेरे मीठे बाबा मुझे याद आता है वो वक्त जब सारी दुनिया में कोई भी मेरा नहीं था तो भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सदा मेरे साथ ही रहे आप बाबा। मैं मूर्ख आपको सामने पाकर भी पहचान ना सका बाबा। मगर फिर भी आप मेरे पास ही रहे, मेरे साथ ही रहे, मुझे दिलासा देते रहे, मुझे धीरज देते रहे बाबा। मुझे संभालते रहे हो आप, ओ मेरे मीठे प्यारे बाबा। कितना ना शुक्रिया करूं मैं आपका। मेरे भाग्य विधाता बाबा, मेरे अविनाशी पिता, आपका बारंबार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।